ये वो इमारत है जिसकी तकदीर वक्त ने मानो खुद अपने हाथों से लिखी। पुराने हिंदुस्तान को आज का हिंदुस्तान बनने में जितने जमाने लगे और जो जो कहानियां गढ़ी गई, दिल्ली का ये लाल किला उनका गवाह बना। पिछली 4 सदियों में इस इमारत ने इतिहास को ना जाने कितनी दफा करवटें बदलते देखा। इस इमारत ने गुजरते दौर देखे हैं, बदलते जमाने देखे हैं। वो हुकूमतें जिनकी बादशाहत कभी पूरे हिंदुस्तान पर थी, उन हुकूमतों को पल में नेस्तोनाबूत होते देखा है। इस वीडियो में आप लाल किले के बारे में 23 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी, सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 23, दिल्ली के इस लाल किले का जो ये नाम है लाल किला, ये नाम किले की इन बड़ी सी लाल पत्थर से बनी बाउंड्री वॉल्स की वजह से पड़ा है, और ये नाम शायद 19वीं सदी में अंग्रेजों के जमाने से पड़ा है। शायद वो अंग्रेज ही थे जिन्होंने इसे रेड फोर्ट कहना शुरू किया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस किले का असली नाम किला ए मुबारक है। ये नाम शाहजहां ने इसे दिया था। नंबर 22, शाहजहां ने लाल किला बनवाने का तब सोचा जब उसने ये फैसला किया कि अब मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली बदल दी जाए। अकबर के जमाने में मुगलों की राजधानी आगरा थी। अकबर को दिल्ली उतनी पसंद नहीं थी क्योंकि दिल्ली अकबर को अपने पिता हुमायूं की शेरशाह सूरी से हुई हार याद दिलाती थी। लेकिन शाहजहां आगरा की गर्मी से परेशान थे और उसने दिल्ली वापस आने का मन बना लिया। उसने तय किया कि मुगल साम्राज्य की राजधानी अब दिल्ली होनी चाहिए। दिल्ली में शाहजहां ने एक शहर बसाया जिसे नाम दिया गया शाहजहानाबाद। इसे अब पुरानी दिल्ली कहा जाता है। इसी शहर के बीच में भव्य लाल किले का निर्माण शुरू हुआ। नंबर 21, 1638 में शाहजहां ने लाल किला बनवाने का हुक्म दिया और पूरे 10 साल बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। जब लाल किला बनकर तैयार हुआ, उस वक्त शाहजहां अफगानिस्तान के काबुल में थे। जब उन्हें यह खबर दी गई, तब बादशाह वहां से फौरन दिल्ली वापस आ गए। नंबर 20, लाल किले के 2 मुख्य दरवाजे थे, दिल्ली दरवाजा और लाहौरी दरवाजा। दिल्ली दरवाजे के जरिए ही शाहजहां नमाज के लिए जामा मस्जिद जाया करते थे, लेकिन बाद में औरंगजेब ने लाल किले के अंदर ही अपने और अपनी बेगमों के लिए निजी मस्जिद बनवा ली, जिसे मोती मस्जिद कहा जाता है। नंबर 19, दिल्ली दरवाजा तो अब आम जनता के लिए खुला नहीं है, सिर्फ लाहौरी दरवाजे के जरिए ही लोग किले के अंदर जा सकते हैं। लाहौरी दरवाजे का नाम लाहौरी दरवाजा इसलिए पड़ा क्योंकि मुगलों के जमाने में 3 शहर ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण थे, दिल्ली, आगरा और लाहौर। और इस दरवाजे का जो फ्रंट है वो लाहौर शहर की तरफ है, इसीलिए इसे लाहौरी दरवाजा कहा जाता है। नंबर 18, इस लाहौरी दरवाजे के सामने औरंगजेब ने यह दीवार बनवा दी थी, इसे घूंघट वाली दीवार कहा जाता है। लाहौरी दरवाजा चांदनी चौक के बिल्कुल सामने पड़ता है और इस दरवाजे से दीवाने आम साफ दिखाई देता था, जो कि बादशाह के बैठने की जगह थी। इसीलिए लोगों को बादशाह की अदब के लिहाज से चांदनी चौक पर पैदल चलना पड़ता था। यह दुविधा खत्म करने के लिए और किले को और भी प्रोटेक्शन देने के लिए औरंगजेब ने लाहौरी दरवाजे के सामने ये दीवार बनवा दी थी। शाहजहां को औरंगजेब की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कहा जाता है कि चांदनी चौक पर खड़े होकर अगर कोई लाल किले को देखता था, तब सामने लाहौरी दरवाजा बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था, लेकिन बाद में दीवार बन जाने के बाद वो उतना भव्य नहीं रहा। जब ये दीवार बनवाई गई, उन दिनों शाहजहां आगरा में कैद थे।
आगरा से ही शाहजहां ने औरंगजेब को एक खत लिखा था। खत में शाहजहां ने लिखा था कि बेटे, दीवार बनवाकर मानो तुमने किले की दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है। नंबर 17। इसी घूंघट वाली दीवार पर खड़े होकर 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पहली बार आजाद भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। तब से लेकर आज तक ये सिलसिला हर साल दोहराया जाता है। नंबर 16। लाहौरी दरवाजे से अंदर जाते ही लाल किले का मीना बाजार शुरू हो जाता है। इसे छत्ता बाजार भी कहते हैं। ये बाजार शाहजहां ने अपनी बेगमों के लिए बनवाया था। किले में जिन चीजों का इस्तेमाल होता था उस तरह का सामान इस बाजार में मिलता था। एक जमाना था जब अरब और फारस जैसे देशों से व्यापारी अपना सामान लेकर यहाँ आते थे, जिसे वो बादशाह की बेगमों और शहजादियों को बेचते थे। अच्छी बात यह है कि ये बाजार 350 साल बाद आज भी अपनी उन्हीं रंगीनियों के साथ जिंदा है और आज भी लोग यहाँ से तरह तरह का साजो सामान खरीद कर ले जाते हैं। नंबर 15। छत्ता बाजार खत्म होते ही सामने दिखाई पड़ता है नौबत खाना। नौबत खाने की ऊपरी मंजिल पर म्यूजिशंस बैठते थे और यहाँ दिन में 5 बार नौबत बजती थी अलग अलग वक्त को बतलाने के लिए। नौबत खाने में बादशाह के आने की घोषणा करने के लिए भी नौबत बजा करती थी। इसी नौबत खाने के अंदर 9वें मुगल बादशाह जहांदार शाह और 10वें मुगल बादशाह फर्रुखसियर का कत्ल किया गया था। नंबर 14। नौबत खाने के बिल्कुल सामने पड़ता है दीवाने आम। नाम से ही अंदाजा हो जाता है, दीवाने आम यानी ऐसा शाही दरबार जो आम लोगों के लिए लगता था। दीवाने आम में मौजूद इस ऊंचे सिंहासन पर बैठकर बादशाह आम लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनका समाधान करते थे। बादशाह के इस सिंहासन को नशे मने जिल्ले इलाही कहा जाता था, यानी ऐसा स्थान जिस पर ईश्वर की छाया हो। इस सिंहासन के नीचे संगमरमर का एक बड़ा ही सुंदर तख्त रखा है, जिस पर खड़े होकर वजीर बादशाह को आम लोगों की परेशानियां पढ़कर सुनाता था या कोई गुजारिश पेश करता था। दीवाने आम के सिंहासन की इस पिछली दीवार पर संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है। इस पत्थर पर इतनी खूबसूरत चित्रकारी की गई है जिसकी मिसाल दी नहीं जा सकती। ये चित्रकारी फ्रेंच आर्टिस्ट ओस्टन द बोर्डो द्वारा की गई थी। नंबर 13। लाल किले की अगली इमारत है दीवाने खास, यानी ऐसा दरबार जहां बादशाह अपने खास लोगों से मिला करते थे, जैसे बादशाह के मंत्री, सलाहकार और उनके मेहमान वगैरह। दीवाने खास की ये पूरी इमारत संगमरमर की बनी हुई है। इसी दीवाने खास में बादशाह का वो आलीशान सिंहासन रखा हुआ था जिसके चर्चे सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थे। बादशाह के इस सिंहासन का नाम था तख्ते ताऊस यानी पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन सोने चांदी और कीमती हीरे जवाहरातों से बना हुआ सिंहासन था। इसके ऊपरी सिरे पर हीरे मोतियों से बने 2 मोर थे और इसी पीकॉक थ्रोन में भारत का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर जड़ा हुआ था। पीकॉक थ्रोन की कीमत 17वीं सदी में भी कई करोड़ों में आकी गई थी। फिर 1739 में ईरान का बादशाह नादिर शाह भारत आया। उसने दिल्ली पर हमला बोल दिया। उसकी सेनाओं ने दिल्ली को जमकर लूटा और वो लाल किले की कई बेशकीमती चीजों के साथ पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा भी लूट के ले गया। कहा जाता है कि दिल्ली को लूटने के बाद जब नादिर शाह और उसकी सेना ईरान वापस जा रही थी तो रास्ते में उन पर लुटेरों ने हमला कर दिया और कई चीजें लूट ली, उनमें से एक पीकॉक थ्रोन भी था। लुटेरों ने पीकॉक थ्रोन को तोड़कर उसके कई हिस्से कर दिए और उसे आपस में बांट लिया। कहा जाता है कि पीकॉक थ्रोन के टूटे हुए निचले हिस्से को आखिरी बार
तेहरान के एक म्यूजियम में देखा गया था। तख्ते ताऊस में बैठकर बादशाह दीवाने खास में अपने खास लोगों से मिलते थे और सलाह मशवरा करते थे। दीवाने खास लाल किले का सबसे खूबसूरत महल हुआ करता था। इसकी खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस महल की पूरी छत चांदी की हुआ करती थी। बाद में उस चांदी की छत को निकाल लिया गया। इसकी संगमरमर की दीवारों पर जगह जगह पर कीमती पत्थर और नगीने जड़े हुए थे, जिन्हें लोग निकाल कर ले गए। अब उनके सिर्फ निशान बाकी हैं। इसी दीवाने खास में फारसी की वो मशहूर पंक्तियां लिखी हैं, अगर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। नंबर 12, किले के अंदर अगर कोई सबसे सुंदरतम रचना थी तो वो थी नहरे बहिष्त, यानी स्वर्ग की नहर। इस नहर को शाहजहां ने जन्नत की परिकल्पना पर बनवाया था। नहरे बहिष्त जब महलों के अंदर से होती हुई बाग बगीचों के पास से बहती थी, तब मानो स्वर्ग जैसा एहसास करवाती थी। इसके बहने से पानी की बड़ी मधुर आवाज पैदा होती थी। नहरे बहिष्त में फव्वारे बने हुए थे। इससे निकलते फव्वारे मानो गर्मियों में भी सावन का एहसास करवाते थे। वैसे तो नहरे बहिष्त लाल किले के अंदर कई जगह से बहती थी, लेकिन इसे महलों के बीच में से इसलिए बनाया गया था ताकि नहर के पानी से महलों के अंदर ठंडक रहे। नहरे बहिष्त में पानी को चलाए रखने के लिए यमुना नदी से पानी उठाया जाता था। नंबर 11, शाहजहां ने अपनी रानियों और किले की अन्य शाही औरतों के लिए जो महल बनवाए थे, उनमें पहला महल है रंग महल। ये बहुत ही बड़ा महल है। इस महल के बीच से नहरे बहिष्त बहा करती थी, जो इसे गर्मियों में भी ठंडा रखती थी। अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत के दौरान रंग महल को रसोई घर में बदल दिया था। इस महल की दीवारों पर बेशकीमती पत्थर और मोती जड़े हुए थे। दीवारों पर उन पत्थर और मोतियों के उखाड़े जाने के निशान देखे जा सकते हैं। नंबर 10, अगली इमारत है मुमताज महल। ये महल भी किले में रहने वाली शाही परिवार की औरतों के लिए था। इस महल का नाम शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज के नाम पर रखा था, जिसकी मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी थी। इस महल में बादशाह और शहजादों के अलावा किसी और को आने की इजाजत नहीं थी। जब अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया, उसके बाद मुमताज महल को उन्होंने जेलखाने में बदल दिया था। नंबर 9, रंग महल के पास मौजूद है खास महल। खास महल बादशाह का अपना निजी महल था। इस बड़ी सी इमारत के तीन मुख्य कमरे हैं। पहला तस्बीह खाना, इस कमरे में बैठकर बादशाह इबादत करते थे। दूसरा है ख्वाबगाह, यानी सपनों का महल, ये बादशाह का बेडरूम था। और तीसरा है बड़ी बैठक, यहां बादशाह फुर्सत की घड़ियों में बैठते थे और आराम फरमाते थे। नंबर 8, लाल किले में एक खूबसूरत बाग हुआ करता था, जिसे हयात बख्श बाग कहा जाता था। हयात बख्श बाग का मतलब होता है जिंदगी देने वाला बाग। आज किले में हयात बख्श बाग का सिर्फ खाली मैदान बाकी है, लेकिन एक जमाना था जब इस बाग से खुशबूदार फव्वारे निकलते थे और यहां रंग बिरंगे फूल उगाए जाते थे। नंबर 7, हयात बख्श बाग के मैदान में बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली दो इमारतें आमने सामने मौजूद हैं। एक इमारत का नाम है सावन और दूसरी का भादों। क्योंकि फारसी मुगल दौर की आम बोलचाल की भाषा थी, इसीलिए किले में और जितनी भी इमारतें, महल और दूसरी चीजें मौजूद हैं, उन सभी के नाम फारसी भाषा में रखे गए थे, सिवाय इन दो इमारतों के। इन इमारतों के नाम हिंदी महीनों के नाम पर रखे गए थे।
जब कभी दिल्ली में बारिश होती थी तब एक इमारत में शाही परिवार के पुरुष और दूसरी में शाही औरतें बैठकर बारिश का आनंद लेती थी। नंबर 6, लाहौरी दरवाजे और दिल्ली दरवाजे के बाद लाल किले का एक तीसरा दरवाजा भी है जिसे यमुना गेट कहते हैं। ये दरवाजा नीचे से यमुना नदी की तरफ जाता था जहां बादशाह की नाव लगी होती थी। बादशाह नाव में बैठकर यमुना नदी के जरिए दिल्ली से दूसरे शहरों में जाते थे। नंबर 5, लाल किले के वैभव और इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने इसे 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। नंबर 4, दिल्ली के इस लाल किले से जुड़ा हुआ एक और किला है जिसे सलीमगढ़ का किला कहा जाता है। सलीमगढ़ के किले को शेरशाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने 1546 में बनवाया था। सलीमगढ़ का किला लाल किले से एक पुल के जरिए जुड़ा हुआ है। नंबर 3, लाल किले में एक और सुंदर बाग हुआ करता था जिसे मेहताब बाग कहते थे। इसे अंग्रेजों ने नेस्तोनाबूद कर दिया था और इस बाग की जगह पर फौजियों के लिए बैरक बनवा दिए गए। अंग्रेजों ने लाल किले की कई इमारतों को तोड़कर वहां अपनी जरूरत के हिसाब से बैरक और परेड ग्राउंड बनवा दिए। अंग्रेजों के बनाए ये बैरक विक्टोरियन आर्किटेक्चर का नमूना है। किले के अंदर मौजूद सभी इमारतों को अगर आप देखते हो तो आपको मुगली आर्किटेक्चर और विक्टोरियन आर्किटेक्चर में डिफरेंस साफ नजर आएगा। नंबर 2, ये है लाल किले का जफर महल। इसे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने 1842 में बनवाया था। यह लाल किले के अंदर किसी मुगल बादशाह द्वारा बनवाई गई आखिरी इमारत है। नंबर 1, यहीं लाल किले में अंग्रेजों ने बादशाह जफर पर मुकदमा चलाया था। बादशाह को अपने ही मुल्क में अपने ही किले में अंग्रेजों के सामने नतमस्तक होना पड़ा। अंग्रेजों ने बादशाह जफर को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने का दोषी करार देकर उन्हें देश निकाला दे दिया और उन्हें हिंदुस्तान से रंगून रवाना कर दिया जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। वहीं रंगून से ही बादशाह जफर ने लिखा था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमी भी ना मिली कुए यार में। कि ऐ जफर, तू कितना बदनसीब है, तुझे तो तेरे अपने ही मुल्क में दफन होने के लिए दो गज जमी भी ना मिल सकी। अगर इस किले ने मुगल सल्तनत के चमकते हुए सूरज को देखा है तो इसने उस सूरज को अस्त होते हुए भी देखा है। लाल किला अपने बनने के दौर से लेकर आज तक ना जाने कैसी कैसी घटनाओं का साक्षी बना। लाल किला सिर्फ मुगलों के इतिहास का ही नहीं बल्कि भारत की आजादी की लड़ाई का भी गवाह रहा। अपनी बादशाहत कायम करने यहां कई हुकूमतें आईं और कई मिट गई, लेकिन यह इमारत बीते दौर की ना जाने कितनी कहानियां अपने साथ लिए सदियों से खड़ी है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।